हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी 2023 का एग्ज़ाम जल्द ही होगा, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक का एमसीक्यू के माध्यम से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जितना ज़रूरत है करते हुए आपके समक्ष ला रही हूँ। आप डेली बेसिस मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और अपना सेल्फ स्टडी करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। जैसा कि ये जो वीडियो है, अभी ये टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिससे मैं इसके पहले सेल्स के बारे में बता चुकी हूँ। ये है मस्कुलर सिस्टम, जो आपके फिजिकल एजुकेशन में मस्कुलर सिस्टम से ही सभी कार्य होते हैं, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे कार्य करता है। तो ये आपका मस्कुलर सिस्टम का चौथा वीडियो है। एंड दोस्तों, ये केवल बीपीएससी 2023 के लिए ही नहीं है, एंड ये फिजिकल एजुकेशन के ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी चीज़ें, चाहे आप यूपी टीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएलटी, चाहे आप अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी, यूके, उड़ीसा, जो भी है, एलटी ग्रेड एंड ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी, नेट, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड थ्योरी सेशन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चेकआउट कीजिए टॉपिक वाइज, और वहाँ पे सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। एंड शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है दोस्तों, भारी व्यायाम के समय इसकी और रक्त की आपूर्ति होती है, यानी कि भारी व्यायाम के समय किसकी और रक्त की आपूर्ति बढ़ती है, और है और नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। तो जब हम इट्स फर्दर ब्लड सप्लाई इंक्रीज ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो जो ब्लड सप्लाई होती है तो किसके तरफ ज़्यादा होती है, वो होती है स्केलेटल मसल्स, किसके तरफ, स्केलेटल मसल्स यानी कि कंकाली पेशियों की तरफ, ऐच्छिक पेशियों की तरफ होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पेशी केवल तंत्रिकीय तंत्र द्वारा उद्दीप्त करने से ही आकुंचित होती है, विच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ओनली वेन स्टिमुलेटेड बाई द नर्वस सिस्टम। तो कौन सा ऐसा है, जैसे कि हमारे शरीर में तीन प्रकार की मसल्स पाए जाते हैं, वॉलेंट्री यानी कंकाल पेशियां, जिसे स्केलेटल मसल्स कहते हैं, जिसे ऐच्छिक पेशियां कहते हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्शन पोटेंशियल आवेग भेजने के कारण कॉन्ट्रैक्ट होता है, कार्य करता है, और दूसरा होता है आपका स्मूथ मसल्स, अरेखित पेशियां जो अनैच्छिक होती हैं, हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, जो हमारे आंतरिक अंगों में पाए जाते हैं, जैसे अमाशय, अग्नाशय, छोटी याद, बड़ी याद। एंड तीसरा होता है कार्डियक मसल्स, जो भी अनैच्छिक होता है, जो जीवन प्रयत्न चलता रहता है। तो कौन सी पेशी जो है केवल तंत्रिकीय तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा उद्दीप्त करने से ही आकुंचित होती है, तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक केमिकल्स रिलीज होता है, एसिटाइल कोलाइन, और जो आपको एक्शन पोटेंशियल यानी आवेग को मसल्स की तरफ भेजती है, जिसके कारण, उस आवेग के कारण हमारा जो स्केलेटल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्केलेटल मसल्स यानी ऐच्छिक पेशियां, जो हमारे हाथ पैरों अंगों में होती है, जो कार्यकारी अंग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता होता है, तो विच टाइप ऑफ फाइबर हेल्प्स इन ज्वाइनिंग अनदर फाइबर। तो एक दूसरे, एक तंतु को दूसरे तंतु से जोड़ने में कार्य करता है कनेक्टिव टिश्यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलंबी मांसपेशियां जिसमें कम स्पष्ट टेंडन होती हैं और असुंडाकार होती है, उसको क्या कहा जाता है, अवलंबी यानी लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स विच हैव लेस प्रोनाउंस्ड टेंडन्स एंड आर नॉन सर्कुलर इन शेप आर कॉल्ड। यानी कि इसमें टेंडन जो है कम स्पष्ट होते हैं, और पतली से एक रिबन के आकार की पेशी होती है, जिसे हम, जो फाइबर एक दूसरे के समानांतर होते हैं, जैसे हमारे जांग की जो सबसे लार्जेस्ट मसल्स है उसे कहते हैं, जैसे सार्टोरियस, तो उसे कहते हैं हम
पट्टा पेशी, क्या कहते हैं? पट्टा मांसपेशियां। तो दोस्तों जैसे कि हम बताते हैं कि ये पट्टा पेशी के अंतर्गत हमारा सार्टोरियस मसल्स होता है, जो एक लंबे फट्टे के समान होती है और ऊपरी हिप से जुड़ा हुआ होता है और लास्ट होता है आपका घुटने तक क्वाड्रिसेप्स के नीचे। तो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स यानी कि पेशियों के आकार तथा बनावट का के आधार पर, तंतुओं के आधार पर मांसपेशियों को कई प्रकार में बांटा गया है, जैसे कि बेलन आकार की फ्यूसी फॉर्म एंड स्पिंडल फॉर्म, जिसमें हमारा जिसमें आपका बीच में गोल होता है, दोनों सीधा सकरा होता है, जैसे कि ब्रांचियोलिस, रेडियोलिस आदि मसल्स होते हैं। एंड पेनी फॉर्म या फेदर लाइक, जैसे कि चिड़िया के पंख के आकार की, जो तीन प्रकार के होते हैं, यूनिपेनी फॉर्म, बाईपेनी फॉर्म, मल्टीपेनी फॉर्म। यूनिपेनी फॉर्म मतलब फाइबर यानी जो टेंडन होता है, टेंडन जो है फाइबर के एक तरफ, जो फाइबर होता है टेंडन के एक तरफ होता है, जैसे ट्रेपेजियस, सेमी मेम्ब्रेनियस। एक होता है बाईपेनी फॉर्म यानी कि जो फाइबर होता है टेंडन के दोनों तरफ होता है, जैसे रेक्टस फेमोरिस, जो हमारे पेट जो हमारे ऊपरी जाक में पाई जाती है। एक होता है लॉन्गस कोलाई, जो गर्दन के पास होती है। एक होता है मल्टीपेनी फॉर्म, जैसे डेल्टॉइड मसल्स, और डेल्टॉइड मसल्स आपका ट्रायंगुलर मसल्स भी बोला जाता है। ट्रायंगुलर मतलब तिकोने आकार का, एक सिरा सकरा रूप से टेंडन से जुड़ा रहता है तथा दूसरा सिरा चौड़े रूप से, जैसे ट्रेपेजियस, पेक्टोरलिस मेजर, ग्लूटियस मैक्सिमस, डेल्टॉइड। और लॉन्गिट्यूडनल रिबन के आकार की पट्टा पीसी, जो आपका प्रश्न पूछा हुआ है, इसके अंतर्गत लंबी रिबन जैसी आकृति होती है और फाइबर एक दूसरे के समानांतर होते हैं, जैसे सार्टोरियस मसल्स जांघ के पास की, रेक्टस एब्डोमिनस पेट की जो सीधी पेशी, पेट के बीच में जो सीधी पेशी होती है। और पांचवा होता है क्वाड्रिलेटरल यानी चौकोर प्रकार की पेशी, जो तंतु आपस में समानांतर जुड़ी रहती हैं, जैसे रोम्बोइड एंड इंटरकॉस्टल प्रोनेटर क्वाड्रिटियस। इंटरकॉस्टल मसल्स जो होता है वो हमारी जो पसलियाँ होती हैं उनके बीच होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मांसपेशी सहन क्षमता, यहाँ सहन क्षमता हो गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ सहन क्षमता है। मांसपेशी सहन क्षमता पुष्टि का एक घटक है, निम्न में से कौन सा मांसपेशी सहन क्षमता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आपको पता है कि जो एरोबिक क्रियाएं होती हैं, ज्यादा समय की क्रियाएं होती हैं, और उसी को कहते हैं एंड्योरेंस, यानी थकान होते हुए भी कार्य को करते रहना ही आपका एंड्योरेंस है। तो मांसपेशी सहन क्षमता पुष्टि का एक घटक है। तो मस्क्यूलर स्ट्रेंथ इज ए कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेंथ, मस्क्यूलर एंड्योरेंस यहाँ पे है, स्ट्रेंथ नहीं होगा, ठीक है। मस्क्यूलर एंड्योरेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेंथ यानी पुष्टि यानी कि जो फिजिकल फिटनेस है उसका घटक है। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मस्क्यूलर एंड्योरेंस कैपेसिटी? तो मांसपेशी सहन क्षमता का इस जो ऑप्शन दिया गया है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? तो एक एक करके हम वर्णन करते हैं। भारी वजन उठाने में सक्षम होना, तो भारी वजन आपका मसल्स ज्यादा कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शक्ति होगा, स्ट्रेंथ होगा, एंड्योरेंस नहीं होगा। जो मसल्स से संबंधित रिलेटेड कार्य हो वो आपका स्ट्रेंथ में आ जाएगा। जो कार्डियो रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस यानी कि हमारा हृदय और फेफड़ों से संबंधित जो सहन क्षमता की बात हो, एंड्योरेंस में आएगा, ठीक है। एक दूसरा है, एक छोटी दूरी तक तेजी से दौड़ने में सक्षम होना, ये भी आपका क्या है, जैसे कि 100, 200, 400 मीटर दर, ये स्ट्रेंथ में आती हैं। एंड सी है समय की एक लंबी अवधि के लिए सीधी टांगों से अपने पैर की उंगलियों को छूने में सक्षम होना, तो वो तो उतना, ये भी एंड्योरेंस है, ये एंड्योरेंस है, बट यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन बोला है। और डी है थके बिना पुनरावृत्ति कार्यों को पूरा करने में सक्षम होना। तो आपको क्या लग रहा है, विदाउट एनी फटिक जो कार्य करते रहना है लंबे समय तक, यानी थके बिना पुनरावृत्ति कार्यों को पूरा करने में सक्षम होना, ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनावपूर्ण मांसपेशियों की वजह क्या है?
व्हाट कॉजेज टेंशन, मतलब तनाव होता है, यहाँ पे टेंस लिखा गया है, टेंशन मसल्स, यानी कि जो हमारे तनाव होता है, मांसपेशी में खिंचाव होता है एकाएक, वो कैसे हो जाता है, उसकी वजह क्या है? तो इसका बेस्ट वजह है आपका अचानक ओवर स्ट्रेचिंग, ठीक है, अचानक ओवर स्ट्रेचिंग, सडन ओवर स्ट्रेचिंग आपका राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, मोटा फिलामेंट में लंबा प्रोटीन समाविष्ट होते हैं जिनका नाम है, यानी थिक फिलामेंट कंटेन्स लॉन्ग प्रोटीन्स हुज नेम इज। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे मांसपेशियां जो है, जो मांसपेशी तंतु होती हैं, मोटा फिलामेंट और पतला फिलामेंट, दो फिलामेंट से बना होता है। मोटा फिलामेंट को मायोसिन कहते हैं और पतला फिलामेंट को एक्टिन कहते हैं। तो यहाँ थिक फिलामेंट यानी मोटा फिलामेंट पूछा है, तो मोटा फिलामेंट में जो प्रोटीन होता है उसको मायोसिन कहते हैं, और जो थिन फिलामेंट यानी पतला फिलामेंट में होता है उसको एक्टिन कहते हैं। यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मायोसिन। और एक्टिन के मायोसिन पर फिसलने से ही मांसपेशी जो है वो कंट्रैक्ट होती है, संकुचन होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी सहन क्षमता का अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मस्कुलर एंड्योरेंस। तो मांसपेशी सहन क्षमता का क्या अर्थ है दोस्तों? जैसा कि थके बिना लंबे समय तक कार्य करते रहना ही सहन क्षमता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा राइट होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, वह मांसपेशियों का थके बिना लंबे समय के लिए काम करने की क्षमता है, ठीक है। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम विदाउट गेटिंग फटीग। नेक्स्ट है, जब नियमित व्यायाम से मांसपेशियों में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जब नियमित व्यायाम से मांसपेशियों के आकार आकृति में वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉफी। क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉफी। तो जहाँ पे आपका रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज मसल्स मसल्स मास आपका आ जाए, वहाँ हाइपरट्रॉफी। हाइपर मतलब होता है बायोलॉजिकल भाषा में ज़्यादा, और हाइपो मतलब होता है कम। तो जहाँ वृद्धि की बात आए वहाँ हाइपर शब्द जहाँ देखिए उसको लगाइएगा। तो यहाँ पे जब नियमित आप व्यायाम डेली एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, तो जो मांसपेशियों के मजबूत होती हैं और मांसपेशियों में वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। और जब एक्सरसाइज ना करने से, कोई काम ना करने से आपकी मांसपेशी छोटी और कमजोर हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ऑट्रॉफी। एक होता है हाइपोकाइनेटिक, जब आवश्यकता से अधिक वृद्धि होने लगती है मांसपेशियों में तो उसे हम कहते हैं हाइपोकाइनेटिक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मुख्यतः वसा जमा होता है, फैट इज मेनली स्टोर्ड इन द बॉडी। तो दोस्तों, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शरीर में जाकर के ग्लूकोज में बदल जाता है, और ग्लूकोज के रूप में मांसपेशी ग्लाइकोज जैसे कि ग्लूकोज में बदल करके हमको ऊर्जा देता है। तो जमा कैसे होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लूकोज में बदलता है, तो हम कार्य करते समय वो हमको ऊर्जा देता है। बट स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में मांसपेशी और यकृत में जमा होता है, और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के रूप में समस्त शरीर में जमा होता है। एंड जो हमारा वसा है यानी फैट है वह किस में जमा होता है, यही प्रश्न आपका पूछा गया है। तो यह शरीर में जमा होता है एडिपोज टिश्यू के नीचे। एडिपोज टिश्यू के नीचे किस रूप में जमा होता है? ट्राइग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड और एडिपोज टिश्यू की तरह ये जमा होता है, एडिपोज टिश्यू की नीचे जमा होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, सार्कोप्लाज्म में पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म किस में पाया जाता है, इसके कहने का मतलब है सार्कोप्लाज्म किस में पाया जाता है, यहाँ पे में नहीं होगा, विच इज फाउंड सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म किस में पाया जाता है दोस्तों? जैसे कि एक कोशिका में, सेल में
जो द्रव भरा रहता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं या साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य। उसी तरह मांसपेशी फाइबर में, कोशिका में जो द्रव्य भरा रहता है उसी को हम कहते हैं सारकोप्लाज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा मांसपेशी कोशिका में। क्या होगा? मांसपेशी इन द मसल सेल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मांसपेशी कमजोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द कॉल्ड व्हेन ए मसल्स बिकम वीक, स्मॉल एंड लॉस स्ट्रेंथ? तो इसे हम कहते हैं जब ज्यादा होती है, मजबूत होती है, बड़ी होती है, शक्ति में ज्यादा होती है तो उसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं, जब कमजोर होती है, छोटी होती है, शक्ति में कम होती है उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफी। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी की कार्यात्मक कुशलता इस पर निर्भर करती है, फंक्शनल इफिशियंसी ऑफ मसल्स डिपेंड्स ऑन। तो जो फंक्शनल इफिशियंसी है, कार्यात्मक कुशलता है मांसपेशी की, किस पर निर्भर करती है? तो रेशों के गुण, यानी कि क्वालिटी ऑफ फाइबर, रेशों के गुण पर निर्भर करती है। जैसे कि हमारे जो मसल्स होता है उसमें फाइबर दो प्रकार के होती है, रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर जो स्लो ट्विस्ट फाइबर होती है, धीरे धीरे संकुचित होती है, जो इंड्योरेंस ज्यादा समय की खेलों या क्रियाओं या में प्रयुक्त होती है, यानी सहन क्षमता वाली क्रियाओं में। जबकि जो वाइट मसल फाइबर होती है, स्लो ट्विस्ट फाइबर, जो फास्ट ट्विस्ट फाइबर, जो तेजी से संकुचित होती है, वो स्ट्रेंथ वाले क्रियाओं में जिसमें शक्ति का ज़्यादा प्रयोग होता है, कम समय की क्रियाओं में ज़्यादा इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता होती है उसमें काम आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मांसपेशियां हमारे शरीर के कुल वजन के 2/5 भाग होती है? तो दोस्तों, हमारे शरीर के भार का जो मांसपेशियां है वो 45% भार है। हमारे शरीर के भार का 45% भार जो है ओनली मांसपेशियों का है। तो उसमें से मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशियां। उसमें से 45% से में 40% भाग पाया जाता है, यानी 2/5 भाग पाया जाता है स्वैच्छिक मांसपेशियां, यानी कि वॉलेंट्री मसल्स, जिसे ऐच्छिक मांसपेशियां, रेखित मांसपेशियां एंड कंकाल मांसपेशियां या स्केलेटल मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट है, जॉगिंग और खेलना करते हैं, जॉगिंग और खेलना करते हैं। तो जॉगिंग और खेलना क्या करते हैं? इस सभी मांसपेशियों को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी किस रूप में भंडार रहता है? एटीपी किस में भंडारित रहता है? एटीपी वेयर आर द रिजर्व केप्ट, यानी किस में आपको जमा रहता है एटीपी? जो हमारे कार्य करते समय जो हम कार्य करते हैं, ऊर्जा प्रयुक्त होता है, वो एटीपी होता है। इसका निर्माण होता है माइटोकांड्रिया में वायवीय श्वसन द्वारा, यानी कोशिकीय श्वसन द्वारा। तो एटीपी भंडारित रहता है आपका मसल्स में। किस में होता है? मसल्स में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। तो द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। एंड यहाँ पे है ऑस्टियोलॉजी, जो है वो अस्थियों का अध्ययन, आर्थोलॉजी जोड़ों का अध्ययन, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसेप्स से, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गया है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ट्राइसेप्स पेशी है, ठीक है, पैसे नहीं है, ठीक है। ट्राइसेप्स पेशी का मुख्यतः निम्नलिखित किस प्रक्रिया से संबंध है? आगे से इसका ध्यान रहेगा, ट्राइसेप्स पेशी का मुख्यतः निम्नलिखित किस प्रक्रिया से संबंध है? तो ट्राइसेप्स पेशी क्या करता है? यहाँ पे मनी नहीं रहेगा, मसल्स रहेगा, ठीक है। मसल्स फॉर्म ट्राइसेप्स इज मेनली रिलेटेड टू विच ऑफ द
फॉलोइंग प्रोसेस। तो ट्राइसेप्स मसल्स जो हमारे ऊपरी बाह में ऊपर की तरफ बाइसेप्स होता है, उसके पीछे ट्राइसेप्स होता है। बाइसेप्स क्या करता है, मांसपेशी को कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि मोड़ता है यानी फ्लेक्शन करता है, और जो ट्राइसेप्स होता है वो प्रसारण करता है यानी फैलाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, आई होप कि आप क्वेश्चंस का आंसर दे दिए होंगे। तो कोहनी का विस्तार ट्राइसेप्स क्या करता है, प्रसारण करता है यानी कोहनी का विस्तार, ठीक है, यानी कि एल्बो एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलियस मांसपेशी कहाँ स्थित होती है, वेयर इज द सोलियस मसल्स लोकेटेड, वेयर इज द सोलियस मसल्स लोकेटेड। तो सोलियस मांसपेशी कहाँ स्थित है, तो सोलियस मांसपेशी जो होता है जो हमारे एड़ी से लेकर कॉफ मसल्स यानी कि गैस्ट्रोनेमियस मसल्स तक टच करती है, तो वो होता है सोलियस मांसपेशी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इन द लोअर पार्ट ऑफ फूट, पांव के निचले भाग में। एंड नेक्स्ट है, बाइसेप्स फेमोरिस मांसपेशियां के मूवमेंट से मुख्य उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया का नाम है। तो बाइसेप्स फेमोरिस की बात कह रहा है दोस्तों, तो जो हमारे जांघ के पीछे की हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है वो तीन मांसपेशियों से मिलकर बनती है, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडेनियस, जिसका कार्य होता है घुटने को मोड़ना, ठीक है, क्या होता है घुटने को मोड़ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन प्रोसेस अरिजिंग फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस मसल्स, क्या हो जाएगा घुटने का मोड़ना यानी कि नी फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, घुटने का आकुंचन यानी नी फ्लेक्शन। अब घुटने को प्रसार करने में कौन करता है, फ्लेक्शन, तो वो करता है एक्सटेंशन करता है आपका क्वाड्रिसेप्स मसल्स, या ऑप्शन में रहेगा रेक्टस फेमोरिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशिया संकुचन का प्रत्यक्ष स्रोत है, तो मांसपेशीय संकुचन का प्रत्यक्ष स्रोत क्या है दोस्तों, तो मांसपेशीय संकुचन का प्रत्यक्ष स्रोत है शर्करा की, विटामिन की, प्रोटीन की वसा। तो आप सही आंसर दे दिए होंगे, मसल्स आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो वो होता है आपका एटीपी जो बनता है, ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे मसल्स में एकत्रित रहता है, तो प्रत्यक्ष स्रोत होता है आपका शुगर यानी कि शर्करा, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है, अधिक मात्रा में सफेद पेशी तंतु पाए जाते हैं यानी कि व्हाइट मसल फाइबर आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज, तो अधिक मात्रा में व्हाइट मसल फाइबर किसमें पाए जाते हैं, जैसा कि मैं बताई हूँ व्हाइट मसल फाइबर जल्दी जल्दी ट्विस्ट होते हैं, जो स्ट्रेंथ वाले कार्यों में ज़्यादा होते हैं, जैसे कि स्प्रिंटर होता है, तो स्प्रिंटर यहाँ पे क्या होगा राइट, ऑप्शन नंबर बी सी आपका, इन स्प्रिंट रनर यानी कि फर्राटा दौड़ के धावक में, जहाँ पे इंटेंसिटी यानी तीव्रता ज़्यादा होती है और कम समय की क्रियाएं होती हैं, उसमें सफ़ेद मसल फाइबर यानी कि व्हाइट मसल फाइबर ज़्यादा होती है, जो इंड्योरेंस वाले क्रिया होते हैं, सहन क्षमता वाले, उसमें रेड मसल फाइबर ज़्यादा होता है, ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मांसपेशी को लिप्टर मांसपेशी कहते हैं, कौन सी मांसपेशी को लिप्टर मांसपेशी कहते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डेल्टॉइड मसल्स, क्या होगा डेल्टॉइड मसल्स। एंड नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष रूप से एनाबोलिक स्टेरॉयड से प्रभावित है, डायरेक्टली इफेक्टेड बाय एनाबोलिक स्टेरॉयड,
ये डोपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनाबोलिक स्टेरॉइड जो है ये खेल की दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग के रूप में प्रयोग होता है। ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है मांसपेशी को। किसको प्रभावित करता है? मांसपेशी को, यानी कि एनाबोलिक स्टेरॉइड मांसपेशी की वृद्धि को सक्रिय या उत्तेजित करती है। एथलीट को कठिन प्रशिक्षण तथा तुरंत उबरने अर्थात पुनः शक्ति प्राप्त करने में सहायता करती है। जैसे यहाँ पे एनाबोलिक स्टेरॉइड में AAS होता है, AAS, जिसका फुल फॉर्म होता है एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉइड। एंड्रोजेनिक से तात्पर्य होता है पौरुष तत्व यानी कि मस्क्यूलिनिंग। एनाबोलिक से तात्पर्य होता है टिश्यू बिल्डिंग यानी कि उत्तकों का निर्माण। जो यह मसल्स को वसा की मात्रा को कम करता है, पेशियों की ताकत व सहनशीलता में असीम वृद्धि कर देता है, उत्तेजित करता है और मानसिक रूप से अपने को मजबूत समझने लगता है खिलाड़ी। इसके अंतर्गत आपका आता है स्टोनेजोल, टेस्टोस्टेरॉन, ट्रेनबोलोन, नेड्रोलोन एंड मिथाइल टेस्टोस्टेरॉन, मेटिनोलोन आदि आता है। तो डोपिंग वाले वीडियो को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कफ पेशी का अन्य किस नाम से जानते हैं? बाय व्हाट अदर नेम इज द कफ मसल्स नोन? तो कफ मसल्स को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो गैस्ट्रोनेमियस। किस नाम से जानते हैं? गैस्ट्रोनेमियस। नेक्स्ट दोस्तों, मांसपेशियां जो इच्छा या दिमाग से संचालित होती हैं, मसल्स दैट आर ऑपरेटेड बाय विल और माइंड, जो हमारी इच्छा या दिमाग से संचालित होती है उसे ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं, यानी कि वॉलंटरी मसल्स यानी कि स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशी घूमती हैं, रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स रोटेटेड। तो जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स होती है, हमारे पेट की सीधी पेशी होती है, उसे रेक्टस एब्डोमिनस कहते हैं। एंड यह जैसे कि हमारे षटकर्म जो होते हैं, नेति, दूति, नौली, वस्ति, त्राटक, कपालभाति, ये षटकर्म है, शुद्धि क्रिया है, छह इसमें क्रियाएं होती हैं, जिसमें से एक होता है नौली, जो दाएं नौली बाएं नौली होता है, पेट को इसमें घुमाते हैं दाएं तरफ बाएं तरफ। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नौली, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगे झुककर पेट निकालकर दाएं से बाएं पेशी यानी कि रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स को घुमाने को ही हम कहते हैं नौली क्रिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की मांसपेशी के विकास के लिए उपयुक्त व्यायाम है, विच एक्सरसाइज इज सुटेबल फॉर डेवलपिंग एब्डोमिनल मसल्स? तो दोस्तों, पेट की मांसपेशी के लिए सबसे बेस्ट आपका होता है घुटने मोड़कर सिटअप्स कर लगाना, घुटने मोड़कर सिटअप्स लगाना, डूइंग सीटर्स विद नी बेंट। और सीटर्स जो है तृतीय प्रकार का आपका उत्तोलक है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि तृतीय प्रकार के उत्तोलक में जो फोर्स होता है, बल होता है, वह एक्सिस और असिस्टेंस के बीच में होता है। तो जब हम सीटर्स करते हैं तो बीच में यानी कि सीधे पेट पे फोर्स अप्लाई होता है, ये थर्ड प्रकार का लीवर है। नेक्स्ट दोस्तों, मांसपेशियों किस प्रकार, मांसपेशियों के उस प्रकार को बताइए जो शरीर के गति करते समय सिकुड़ती हैं। तो मांसपेशियां जो शरीर के गति करते समय मुख्य भूमिका अदा करती हैं, उसके प्राइम मूवर या एगोनिस्ट कहते हैं, प्राइम मूवर या एगोनिस्ट कहते हैं। और जो उसकी विपरीत भूमिका अदा करती है उसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। स्टेबिलाईजर मतलब दो तरफ से चिपके रहना, एंड न्यूट्रलाइजर मतलब कोई मांसपेशी जो है बिना काम के अनैतिक गति नहीं करती है, जैसे हम एल्बो फ्लेक्शन कर रहे हैं तो उसमें सुपाइनेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, मांसपेशियां मानव शरीर को प्रदान करती हैं, तो क्या प्रदान करती हैं? आकृति प्रदान करती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आपके आज के सेशन में 30 क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चंस में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करिए। और दोस्तों, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।